हेलो दोस्त, दो वीडियो में साउंड नहीं था। मालूम ही है, जो जानते हैं चैनल पे पढ़ने वाले कैंडिडेट को मालूम है कि ऑफिशियल टाइम था, कोई बिजी इंगेजमेंट के चक्कर से वीडियो में साउंड नहीं डाला, केवल हमने डिस्प्ले पे मोबाइल पे कर दिया था। तो चलिए उसी का सारा डिटेल और कुछ एडिशनल डिटेल जो हम नहीं कह पाए थे उन दोनों वीडियो में यहाँ लेके आए हैं। NTPC एग्ज़ाम 2020 में होगा, सबको कन्फर्म हो गया होगा, जैसा कि अभी तक का शेड्यूल है, अगर चेंज नहीं होता है, और 99% चांस है अब चेंज नहीं होगा। लेकिन ग्रुप डी तो 2021 में ही होगा, कब होगा नहीं पता, क्योंकि अभी उसका ECA टेंडर आया हुआ है और RRB NTPC टेंडर का कोरिजेंडम नगर 11 आया है। उसके साथ साथ कुछ डिटेल भी आए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से एजेंसी एग्ज़ाम लेने में इंटरेस्टेड हैं, यानी बीड लगाने में इंटरेस्टेड है। तो कहते हैं ना कि त्यौहार हो और कोई फंक्शन में भाग न ले तो समझिए कि उसका इंटरेस्ट हो सकता है कि कम हो, और वैसे लोग कम ही बीड अप्लाई करते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कहीं किताबों में नहीं लिखा है, क्योंकि ओपन टेंडर है, कोई भी बीड लगा सकता है। लेकिन इंटरेस्टेड लोग वो होते हैं जो अगर कोई मौका देता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पीरी बीड में बोला गया था कि आपको जो जो प्रॉब्लम है उसमें बात करिए, उसमें वो ज़रूर पहुंच जाता। जो इंटरेस्टेड नहीं है, उनके पीरी बीड हो या नहीं हो, वो क्रिटेरिया भी अपनी चेक कर लेते हैं कंडीशन का। तो यहाँ पे परीक्षा में 4 ही लोग पार्टिसिपेट किए हैं आपका प्री बीड में, तो मैक्सिमम चांस है कि इन्हीं 4 में से लोगों को एग्ज़ाम मिलेगा। हम 100% नहीं श्योर हो सकते, 90% कह सकते हैं। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी, इसका असर किस पे पड़ेगा, आपका NTPC में भी पड़ेगा, कैसे वीडियो में बात कर लेंगे। टेम्परेचर मेजर होगा कैंडिडेट को एग्ज़ाम सेंटर में, ये भी एक इशू है, और ऐप आरोग्य सेतु ऐप भी होगा। ये दोनों को कैसे इफेक्ट करता है लोगों को कैंडिडेट का, यही है कुछ खुशखबरियाँ कुछ गम। तो चलिए एक एक करके देखते चलते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट पे देखिएगा, ये जो डेट आपका NTPC का दिया हुआ था टेंडर का, RRB चेनिंग वाला, ये अभी चेंज हुआ नहीं है, सेम डेट है, 5-10 को ओपनिंग होना है। हाँ, इसमें चेंज हुआ है, जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर प्रोसेस का बहुत सारी चीज़ें अपडेट आ गई है। तो ये कोरिजेंडम 11 भी आ गया है, बहुत डाटा भी इसमें अपडेटेड हो गया है। तो डाटा में से ही एक एक करके आपको निकाल के डायरेक्ट दिखाते हैं, अब डाटा को पढ़ना इतना टाइम लग जाएगा। तो हम सबसे पहले कोरिजेंडम 11 की बात कर लेते हैं। तो कोरिजेंडम 11 में NTPC को बोला गया है, पैसे का अमाउंट शायद चेंज हुआ है, ये उसके साथ साथ में जो बीड लगाएगा उसका अमाउंट चेंज है। उसके बाद 3 चीज़ है, एक पीरी बीड का पैरा मेंशन कर दिया है कि पीरी बीड के क्या है, ये इसका भी स्क्रीनशॉट और आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद आपका मॉडिफाई कंडीशन कर दिया गया है टेंडर का, जिसमें कुछ मॉडिफाई और एडिशनल टेंडर कंडीशन उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, उसकी भी कंडीशन है। तीसरा आपका कोविड का पूरा गाइडलाइंस पैरा 4.5 में 1 से लेके 20 तक अलग अलग या ज़्यादा उससे दिया हुआ है, और कुछ अलग से फाइनेंशियल बीड का कोविड का प्रोविज़न किया गया है। ये 3 चीज़ें मॉडिफाई है। तो हम 5.4.5 यहाँ से अगर देख लें तो इस 4.5 से और 7.8 से हमें 2 चीज़ दिख जाएगी। तो एक एक करके अगर देखेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखेगा, जिसमें आपको मॉडिफिकेशन ऑफ एडिशनल टेंडर है जो कल के डेट में आया था। और यहाँ पे देखिए, स्कोप ऑफ वर्क CBT कराना है, आपको सारी प्रोसेस कराना है, उसमें 4.5 मॉडिफाई है। इस 4.5 में मॉडिफाई में आप देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो केवल 2 ही शिफ्ट में होगी, यानी एक दिन में 2 शिफ्ट। ऐसा नहीं है कि डेली 2 ही शिफ्ट हो, एक भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान देना है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किया जा रहा है। तो इसका नुकसान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि और अच्छा है, लेकिन मैं 2 अच्छाई के साथ, ये अच्छाई ये है कि एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन 2 प्रॉब्लम क्या होगा मैं बता रहा हूँ। पहला प्रॉब्लम आएगा कि आपका एग्ज़ाम की क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि जितने ज़्यादा शिफ्ट का होंगे, हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग होगा, और अगर अलग अलग होता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। कैसे, कैंडिडेट को तो 100 ही देना है, लेकिन जो आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है वो क्वेश्चन यहाँ आपके शिफ्ट में नहीं आके कुछ दूसरे के शिफ्टर में भी
आ सकती है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि कुछ क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि एग्ज़ाम जितना लंबा चलेगा एनटीपीसी का, किसका, एनटीपीसी का, उतना आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम का ध्यान दीजिएगा डिले हो सकता है। ये मेरा अनुमान है और ये सही होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादा पॉसिबल यही है कि अगर एनटीपीसी की एग्ज़ाम दो शिफ्टों से आगे बढ़ते बढ़ते अगर 15 दिसंबर से शुरू होती है और दो मंथ एग्ज़ाम चलता है तो उसके बाद ही ग्रुप डी के एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी बनती है। तो फरवरी मार्च नॉर्मल कंडीशन में, बाकी रेलवे की कोरिजेंडम पे अगर 10-12 कोरिजेंडम ग्रुप डी में भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। अगली बात, दूसरी बात करने वाले हैं, यहाँ जो मेन पॉइंट है, सैनिटाइजर वगैरह तो आपने पहले भी देख लिया था। दूसरा पॉइंट देखने वाले बात है जो हमने थंबनेल में दिया है आपको, आरोग्य सेतु से आपका स्टेटस देखा जाएगा। तो आज के डेट में कोई भी ट्रेवल कर रहा है तो 10 से 20% में हाई रिस्क अपने ऑटोमेटिक आ जा रहा है किसी न किसी कारण से, लोगों से रहने से लिए। तो ये भी ब्लूटूथ से सर्च करता है, आपके आसपास कोई गुजरता है तो उसके कारण से भी हाई रिस्क आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और बड़े शहरों में तो ये खास करके ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये भी एक हो सकता है, इससे बच के रहना पड़ेगा आपको। आपका आरोग्य शक्ति सेफ रहे बेटर है, लो रिस्क रहे बेटर है, तो ये भी एक ध्यान देने वाली चीज़ है, ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा दूसरा आपका है थर्मल स्कैनिंग। एग्ज़ाम देने जाता है कैंडिडेट, दो दिन एक दिन सफ़र करके जाता है तो 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर तो ऐसे ही बढ़ जाता है। और अगर थोड़ी बहुत और कोई प्रॉब्लम आ गई, आपका फ़ारेनहाइट 98.9 से ऊपर या समथिंग 99 के आसपास आ जाएगा तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, हो सकता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेंटेन रखें अपना टेम्परेचर, स्वस्थ रहे तभी एग्ज़ाम दे, ये डिफ़िकल्टी के बारे में है। उसके अलावा ग्रुप डी वाला एनटीपीसी की हमने दूसरी बात किया था आपके साथ कि जिसमें हमें एग्ज़ाम की 4 एजेंसियों ने पार्टिसिपेट किया था उसके बारे में था। तो देखिए ये आपका पीरीबीड का डॉक्यूमेंट आ गया है, ये उसी से लिया हुआ है जो आपके टेंडर वाला पेज दिखाए थे, उसी में 3-7 को हुआ था ये पीरीबीड मीटिंग। उसमें इंटरेस्टेड 4 ही एजेंसी थी, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड यानी TCS, जिसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है कि शायद क्वालिफाई करने के लिए कंडीशन सबसे ज़्यादा फेवर TCS को ही करता है। दूसरा हमने इधर से रख रखा है CP टेक्नोलॉजी, या इसमें से दोनों में से एक हो सकते हैं, हो सकता है कभी दो और तीसरे नंबर पे, और लास्ट में आपका मेरिट ट्रैक है ये तीसरे नंबर पे। इन चारों में से ही मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, 90% चांस है, और इसमें से भी TCS का मैं मानता हूं कि 30 से 40% TCS का ही चांस है कि इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया टेंडर को क्वांटिटी अच्छा है, एग्ज़ाम सेंटर का भी है। हाँ, ओपन टेंडर है तो संभावनाएं सबके लिए ओपन रहता है, इसके लिए टेंडर की आगे होगी तो प्रोसेस होगा, यानी इन्हीं लोगों को टेंडर मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। अब अगली बात एक और रह गई थी जिसमें हमने बात किया था ग्रुप डी के लिए कि ग्रुप डी का भी जो टेंडर आया है इसमें देख लीजिएगा। तो ग्रुप डी के टेंडर के बारे में मैंने बताया था कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम फरवरी से मार्च में होगी, जिसमें साउंड नहीं था, वीडियो आपने देखा होगा, इसके बारे में हमने बात किया था। ये फरवरी से मार्च 2021 एक्सपेक्टेड है, आगे हो सकता है पीछे हो सकता है, ज़्यादा मैटर नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि सबसे पहले चीज़ है कि NTPC सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद ही ग्रुप डी होगी, क्योंकि इसकी टेंडर अभी ओपन हुई है। कुछ लोगों ने बोला था उस दिन कि अनाउंसमेंट हुआ है कि 15 दिसंबर को तीनों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, उसमें से कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा, तो यही सस्पेंस था कि ग्रुप डी का पहले ECA टेंडर ही नहीं आया है तो एग्ज़ाम कैसे होगा। तो अगर कोरिजेंडम नहीं भी होता है तब भी ये एग्ज़ाम आपको जनवरी के बाद फरवरी मार्च में ही जाएगा, अगर कोरिजेंडम हो गया तब तो कह ही नहीं सकते कि कितनी टाइम लगेगी। तो इसकी टेंडर ओपनिंग होने का डेट दे दिया था, यही मैंने पिछले वीडियो में जिसमें साउंड नहीं था मैंने बताया था। बाकी आपकी प्रोसेस एक एक करके आगे बढ़ रही है, ये खुशखबरी है, लेकिन ग्रुप डी का डिले हो गया, जो लोग ग्रुप डी के केवल भरे हैं उनके लिए डिले है। NTPC के लिए ये है कि आपको दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा,
तो हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल बदलते जाएगा, लेवल यानी नंबर ऑफ प्रश्न चेंज होते जाएंगे, और टेम्परेचर मेजर में एक टेम्परेचर और आरोग्य शक्ति वाला